नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आप सभी को राधा स्वामी। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आज के शुभ विचार के साथ। कर भरोसा सतगुरु नाम का, धोखा कभी नहीं खाएगा। हर मौके पर सतगुरु तेरे घर सबसे पहले आएगा। राधा स्वामी ससिंह व्यास के स्पेशल सवाल जवाब सत्र कार्यक्रम में संगत ने अनेकों प्रश्न पूछे। देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। पूरा वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते, इसीलिए पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक हमने आपको RSSB का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। बाबा जी मेरा पहला प्रश्न है कि जेकर असी खाना बनाने दौरान सिमरन करते रहिए ते जेकर उस खाने नू कोई गैर ससंगी खा लैन तां कि उन्हां दा कर्मा दा बोझ साढ़े उत्ते चढ़दा है। कदे वास्ते बेटा तुसी इहो जिहियां गल्लां सोचदे हो? मेरे अगे कोई गैर नहीं गा, मालिक दे अगे कोई गैर नहीं गा बेटा, सारे उहदे अपने हैगे है। ये तो देखो हम आपां देखो बच्चे नू पढ़ाई करवानी है, आपां प्राइवेट स्कूल च पा दिए, पब्लिक स्कूल च पा दिए, मोंटेसरी च पा दिए, मकसद तो पढ़ाई दा है ना बेटा। उस तरह मालिक ने इत्थे भेजिया, रूहानीयत दा की मकसद है कि आपां मालिक दे नाल तार जोड़िए अपनी, मालिक जो उन्हें दिता उहदी कदर करिए। हुण किसी ने नाम लैके कर लिया, किसी ने होर तरीके दे नाल कर लिया, किसी ने होर दे नाल कर लिया, आपां नहीं परखां च पैणा बेटा। मालिक अगे कोई गैर नहीं गा, तुसीं ना ये सोचो, चंगी गल है। तुसीं किसे वक्त भी भजन सिमरन करो, चंगी गल है। रसम बाबा जी आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी अच्छी फैमिली दी, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए और इतने अच्छे गार्डियन दिए। बाबा जी मेरा सबसे पहले सवाल ये है, जब हम अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी तरीका अपनाएं तो बाबा जी उसमें दो वेज आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो बाबा जी हम उसी के बीच में ही उलझ जाते हैं। तो बाबा जी उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? बेटा सवाल ही नहीं पैदा होता, हमने तो हर एक चीज पॉजिटिव करनी है, नेगेटिव की कहां से बात आ गई बेटा। देखो आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है जी, मगर रसूलों की कुर्बानी नहीं देनी। अगर रसूलों की कुर्बानी देंगे तो अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना जी। वो लक्ष्य चाहे मिल जाए मगर उसकी कदर नहीं होनी जी। पॉजिटिव चल के वो मिलेगा, कदर भी होगी और आगे और भी मिलेगा जी। उसूलों की कुर्बानी नहीं देनी, तो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है जी। बाबा जी मेरा नंबर दो सवाल ये है बाबा जी कि बोलते हैं कि हेल्पिंग अदर्स, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो बाबा जी अपने दिल से तो हम 100% देते हैं बाबा जी, बट दिल में कहीं ना कहीं जय सवाल रहता है कि हम नहीं दे पाते, उस समय बाबा जी हमें क्या करना चाहिए? नहीं बेटा प्रैक्टिकली चलना चाहिए बेटा। मैं उतना ही दे सकता हूँ जो मेरे पास है, अगर मैं ही खुद मोहताज हो जाऊँगा, अगर मेरे पास 10 रुपए ठीक है ना, मेरी रोजी रोटी मसा चलती है, मैं देना शुरू कर दूँ, मैं भूखा रह जाऊँ, भूखे पेट तो मेरे से भजन सिमरन भी नहीं होना जी, तो फिर तो मैं बीमारी का हिस्सा बन गया ना जी भाई। सो ठीक है प्रैक्टिकली चलो बेटा, मन में सोच होनी चाहिए कि हम सबकी मदद करें, बांट के चलें जी। मगर उतना दो जो आपकी जरूरत तो पूरी हो जाए, अगर आपकी जरूरत नहीं पूरी हुई, उसको भी पूरा नहीं मिला, आप भी आधा रह के बैठ गए, सुखी तो कोई नहीं हुआ बेटा। और बाबा जी मेरे में इतनी हिम्मत करना कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं और एक अच्छा सत्संगी बन सकूं बाबा जी, और नाम लेने की कृपा करना। आज के सवाल जवाब वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।